हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। विंडोज़ 11 के 24H2 में एक लेटेस्ट बिल्ड वर्ज़न आया हुआ है और उस बिल्ड वर्ज़न का नेम है 26100.1। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे इसमें क्या लेटेस्ट फीचर्स हैं और क्या न्यू बग फिक्सेस हुए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अपने अबाउट सेक्शन पे आएंगे अपडेट करने के बाद में, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा वर्ज़न जो कि 24H2 है। और आपका मैंने इसको इस 4 ऑफ मार्च को मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है और OS बिल्ड है हमारा 26100, जैसे मैंने अभी आपको बताया था हमारा बिल्ड वर्ज़न है 26100। अब हम इसमें न्यू फीचर्स की बात करते हैं तो मेजरली आपको यहाँ पर दो फीचर्स मिल जाते हैं न्यू। अगर मैं फर्स्ट फीचर की बात करता हूँ तो आपको को पायलट का मिल जाएगा, और जो मैं सेकंड बात करूँगा वो है इंसाइडर प्रोग्राम की। तो आपको आ जाना है अपने विंडोज़ अपडेट पे, और विंडोज़ अपडेट पे आने के बाद में आपको यहाँ पे मिल जाता है विंडोज़ इंसाइडर प्रोग्राम का। और अब जैसे ही मैं इस पर विंडोज़ इंसाइडर प्रोग्राम पर आऊँगा तो आपको एक यहाँ पर फीचर मिल जाता है चूज़ योर इंसाइडर सेटिंग्स। पहले यहाँ पर क्या होता था, हमें वहाँ मीन्स थोड़ा सा डीप जा करके इसको सेटिंग को चेंज करना पड़ता था, कैनरी से देव या फिर देव से बीटा। बट इस लेटेस्ट वाले अपडेट में आपको यहाँ पे डायरेक्टली स्विच करने को मिल जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई लॉगिन नहीं करना आपको। सिंपली अब अगर आपको स्विच करना है कैनरी पे तो आप इजीली कैनरी पे क्लिक करेंगे और आपका ये कैनरी पे स्विच हो जाएगा। अब मुझे अगेन से देव पे करना, आप क्लिक करेंगे देव पे, आपका ये ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। बट यहाँ पर दो ऑप्शन और आपको मिल जाता है, बीटा और रिलीज़ प्रीव्यू, जो कि इन्होंने अभी इस वाले अपडेट में इसको बंद कर रखा है। मुझे उम्मीद है कि इसको नेक्स्ट वाले अपडेट में यहाँ पर आपका बीटा और रिलीज़ प्रीव्यू का दोनों का आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। उसके बाद में अगर हम बात करें देव और कैनरी का, तो आप यहाँ पे इजीली इसको आराम से स्विच कर सकते हैं। जैसा कि मैंने देव पे इसको किया था, तो आप यहाँ से देव पे करके इसके सारे लेटेस्ट विंडोज़ 11 की प्रीव्यू बिल्ड्स को आप ईज़िली अपने सिस्टम पर, वो भी लो स्टेबिलिटी में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप देव पे, आपको जब भी अपना अपडेट करना है आप देव पे ही करिए। कैनरी पे क्या होता है कि कुछ अनस्टेबल वर्जन आ जाते हैं जो कि हमारे बक्स होते हैं बहुत ज़्यादा और जो लैग करते हैं, ये प्रॉब्लम हमें मिल जाती है कैनरी पे। मैं जब भी इसको इंस्टॉल करता हूँ अपने विंडो को तो मैं अपने मीन्स फ्रीली देव पे ही करता हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैं जबकि मैं अपने सिस्टम पर लेटेस्ट अपडेट करते रहता हूँ, कोई भी अपडेट आता है मैं तुरंत अपडेट चेक फॉर अपडेट करके तुरंत इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये लेटेस्ट अपडेट है बिल्कुल, मैंने इसको तुरंत इंस्टॉल किया, मुझे कोई बग देखने को नहीं मिलता है। मैं जब भी विंडोज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करता हूँ कुछ बग्स कुछ फिक्सेस, तो मुझे हमेशा यहाँ पे बग्स मिल जाते हैं, बट मेरे सिस्टम पे ऐसा कोई बग्स नहीं आता। और ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं जब भी अपने सिस्टम को इंस्टॉल करता हूँ तो वो देव चैनल पे ही करता हूँ। मेजरली क्या होता है, कुछ लोग कैनरी पे करते हैं, कैनरी पे करने के बाद में उनको यहाँ से कुछ बग्स मिल जाते हैं, फिर न्यू अपडेट में विंडोज़ वाले दिखा देते हैं कि हमने बग्स को फिक्स कर दिया। बट यहाँ पर क्या है, अगर हम जब भी अपने विंडो को अपडेट करेंगे तो आप देव पे ही करिए, आपको कोई बग्स देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं भी करता हूँ देव पे ही, तो मुझे भी कोई इशू नहीं मिलता है। तो हम बात करते हैं, अगर आपने देव पे अगर आपने कैनरी पे कर लिया है और आपको कुछ फिक्सेस मिल रहे हैं, तो उसमें जो बग्स ये थे कि आपको शट डाउन करने पे और हाइबरनेट करने में प्रॉब्लम आ रही थी बस, बट इस वाले बग में इन्होंने फिक्स कर दिया है इसको। और अगर हम बात करें इसके जो सेकंड बक्स थे, सेकंड बक्स में प्रॉब्लम ये हो रही थी कि हमें माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन करने में प्रॉब्लम आ रही थी। बट मुझे तो नहीं लगता कि मेरे सिस्टम पे ऐसी कोई प्रॉब्लम आई हुई है, क्योंकि मैं देव पे यूज़ करता हूँ, मैं कैनरी पे यूज़ नहीं किया मैंने कभी भी। मुझे तो कोई ऐप में कोई भी एप्लीकेशन है सिंपली इंस्टॉल कर लेता हूँ, वहाँ से सर्च भी कर लेता हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं मिलता। बट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख जाती है जो कि है कि फिक्स एन इशू रिजल्टिंग इन सम इंसाइडर्स सीइंग एरर 0x800 करके कुछ ऐसी एरर यहाँ पे आ रहा है। बट मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। अगर आपके सिस्टम पे भी कोई ऐसी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन करके अपडेट करने पे इशू आ रहा था तो अब वो आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। उसके बाद में आपको को पायलट में यहाँ पे कुछ जब भी आप अपडेट करेंगे तो आपको न्यू को पायलट में फ़ीचर्स तो मिल ही जाते हैं। अब कितने फ़ीचर्स हैं इसमें, बहुत से फ़ीचर्स अपडेट हो गए हैं। आप यहाँ से आप अपनी इमेज को सिलेक्ट करके आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, क्रिएटिव पे, प्रीसाइज पे, बैलेंस पे, यह तो पुराने हैं कुछ, और इसमें कुछ नया इसमें ये ऐड हुआ है कि आप गेट को पायलट प्रो का भी आप एक्सेस ले सकते हैं इजीली। न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं। ओके, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसी और भी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहती है। ओके, थैंक यू।